दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आपके पास आपका कोई फ्रेंड बैठा है या फिर कोई रिलेटिव बैठा है और उस समय अगर आप अपना सिस्टम ऑन करते हैं तो विंडोज के बूट लोगों की जगह उसे नजर आती है आपकी तस्वीर, तो एक बार चौंक जाएगा और आपसे पूछे बिना रहेगा नहीं, ये कैसे किया भाई। दोस्तों ये ट्रिक बहुत ही ज्यादा सिंपल है जिसे आप विंडोज 10 या विंडोज 11 में यूज कर सकते हैं और अपने फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स के बीच में इंप्रेशन जमा सकते हैं। आपको सिर्फ दो ही बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि आप विंडोज 10 या विंडोज 11 जो यूज कर रहे हैं वो UEFI मोड के अंदर इंस्टॉल्ड हो, और दूसरा आपको सिक्योर बूट को ऑफ करना होगा। तो सिक्योर बूट को ऑफ करने के लिए आपको अपने सिस्टम को करना होगा रीस्टार्ट और आपको बायोस को ओपन करना होगा। यहां पर आपको मिलता है सिक्योर बूट का ऑप्शन, इसको आपको डिसेबल करना होगा। अब अलग अलग कंप्यूटर्स के अंदर अलग अलग हॉटकीज होती है बायोस को ओपन करने के लिए, तो आपके केस में क्या है ये आपको चेक करना होगा। हम आगे बढ़े उससे पहले एक वार्निंग। दोस्तों अगर आपने 11th जनरेशन का लैपटॉप लिया है जिसके अंदर विंडोज 11 प्री इंस्टॉल आई है तो ये ट्रिक आपको उसमें यूज नहीं करनी है, क्योंकि इस ट्रिक को यूज करने के लिए हमें सिस्टम के सिक्योर बूट को ऑफ करना होता है। और 11th जनरेशन और प्री इंस्टॉल विंडोज 11 इन दोनों के कॉम्बिनेशन से होता क्या है कि आपका जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिक हार्डवेयर इनक्रिप्टेड होता है, जिसकी वजह से अगर हमने सिक्योर बूट ऑफ कर दिया तो आपकी विंडोज नॉन बूटेबल हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 11 जनरेशन प्लस प्री इंस्टॉल विंडोज 11 अगर है तो ये ट्रिक यूज नहीं करनी है, बाकी क्या आप असेंबल सिस्टम्स के अंदर आसानी से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको चेक करना होगा कि आपका जो सिस्टम है वो UEFI मोड के अंदर ही रन हो रहा हो, तो इसके लिए आपको करना क्या है विंडो की के साथ में आपको R प्रेस करना होगा और यहां पर आपको कमांड टाइप करनी होगी msinfo32, ओके कर दीजिए। इसके बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा सिस्टम इन्फॉर्मेशन का, तो यहां पर आपको चेक करना है बायोस मोड। अगर ये UEFI शो कर रहा है दोस्तों तो ही आपको ये प्रोसीजर आगे फॉलो करना होगा। अगर यहां पर MBR या फिर मास्टर बूट रिकॉर्ड आ रहा है तो ये वाला प्रोसीजर आपके लिए नहीं है। तो इसके बाद आपको करना क्या है, जो भी आपके पास फोटो है या फिर आप जो लोगो है आपका उसे आपको करना क्या होगा, उस पर राइट क्लिक कीजिए और यहां पर आपको करना होगा ओपन विथ में जाइए और फोटोज पे क्लिक कर दीजिए। तो सबसे पहले हम इसे रिसाइज करेंगे, तो रिसाइज करने के लिए ये जो तीन डॉट आपको नजर आ रहे हैं ऊपर की तरफ इस पर आपको आना है और यहाँ पे जो रिसाइज वाला ऑप्शन है दोस्तों इस पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहां पर हमको डायमेंशन जो देना है वो देना है 250 डायमेंशन, ठीक है, पिक्सल्स के अंदर। तो यहां पर हम करेंगे डिफाइन कस्टम डायमेंशन पे और जो इसकी विड्थ है दोस्तों ये हम कर देते हैं 250। हम इसका एक्सपेक्ट रेशियो बिगाड़ना नहीं चाहते हैं तो फिलहाल इसकी हम हाइट को नहीं छेड़ेंगे। सेव रिसाइज कॉपी पे जाना है हमको और इसके बाद जो सेव एज टाइप है दोस्तों ये हमको करना होगा BMP और इसको फिलहाल मैं डेस्कटॉप पर ही सेव करवा देता हूँ। और इसका जो नाम है दोस्तों हमें नाम देना होगा splash स्प्लैश, यही नाम आपको देना है, ठीक है, नाम आप कोई दूसरा नहीं दे सकते हैं। सेव कर दीजिए, ओके। तो ये हमारा अब जो लोगो है वो यहाँ पर डेस्कटॉप पर सेव हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद करना क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर आपको करना है कॉपी और अपने ब्राउजर के अंदर उस लिंक को कर देना है पेस्ट, ठीक है। अब यहां पर आपको एक टूल मिलेगा, ये टूल आपको डाउनलोड कर लेना है। अब डाउनलोड करने के बाद आपको इस टूल को एक्सट्रैक्ट करना होगा, तो यहां पर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल पे हम क्लिक कर देते हैं और इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप देखें इसको खोलिए, ठीक है। अब आप देखेंगे इसके अंदर एक स्प्लैश नाम से ऑलरेडी एक बिट मैप रखा हुआ है, तो फिलहाल मैं बाकी डायलॉग बॉक्स को कर देता हूं क्लोज। अब हमें इस वाली स्प्लैश को तो कर देना है यहां से डिलीट, तो फिलहाल हम राइट क्लिक करते हैं और डिलीट कर देते हैं और हमने जो स्प्लैश फाइल बनाई है इसको करते हैं हम कॉपी और यहां पे हम कर देते हैं पेस्ट। अब इसके बाद सिंपल आपको ये जो सेटअप है इस पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके इसे ओपन करना है। अब देखिए ये आपसे दो ऑप्शन पूछ रहा है, आई मतलब इंस्टॉल अपग्रेड रिपेयर और मॉडिफाई, तो सिंपल है आपको आई प्रेस करना है। आई प्रेस किए इसके बाद एक इंफॉर्मेशन आती है आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं है आप इसे क्लोज कर दीजिए। इसके बाद MS Paint आपका ओपन हो जाता है, तो ये लोगो कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल है आप इसे सेव पे क्लिक कर दीजिए और एग्जिट कर दीजिए। एक मैसेज आ जाता है हैक BGRT इज नाउ इंस्टॉल्ड प्रेस एनी की टू क्विट, तो हम इसे बाहर निकाल जाते हैं। अब हम सिस्टम को रिस्टार्ट करके चेक करते हैं और रीस्टार्ट करने के बाद आप देखेंगे कि आपके द्वारा लगाया गया ब्यूटीफुल लोगो विंडोज के लोगो को रिप्लेस कर चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वापस अगर आप इस बूट लोगो को चेंज करना चाहते हैं या फिर डिफॉल्ट मोड में लेके आना चाहते हैं तो आप इसको टूल को ओपन कीजिए और सेटअप को वापस रन कीजिए और इस बार आपको ऑप्शन मिलेगा यहां पर डिसेबल रिस्टोर द ओरिजिनल बूट लोडर, तो यहां पर आपको सिंपली डी प्रेस कर देना है
और इसके बाद आप अपने सिस्टम को रीसेट कर दीजिए और आपकी विंडोज का डिफॉल्ट बूट लोगो रीसेट हो जाएगा। दोस्तों ऐसी कमाल की और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इसी चैनल पे आगे भी मिलती रहेगी, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।